राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। वैसे तो आज हमारा राम राम करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, अब शो शुरू करना है तो कहना पड़ेगा। अब किसी के घर में जवान बेटे की मौत हो जाए तो किसी का मन कैसे ही ठीक हो सकता है। अरे हम अनुपमा की बात कर रहे हैं जिसकी चीख हमारे कलेजे को चीर रही है। ऐसे बिलख बिलख कर रो रही है अनुपमा कि हम आपको क्या ही बताएं। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं एमिनी और अक्षरा की अच्छी खासी शादी टूटने वाली है। अरे कहाँ, अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान के सामने सभी की सच्चाई आ गई है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर का ही हाल जान लेते हैं कि वहाँ पर उस बेचारी की हालत कैसी है। अनुपमा के घर के हाल तो बताने की हिम्मत हमारी नहीं हो पा रही है। हम खुद वहाँ गए थे अनुपमा को चुप कराने के लिए, लेकिन उसकी चीखें तो अभी तक हमारे कानों में गूंज रही हैं। अनुपमा को ऐसी हालत में देखकर हमारा तो खुद मन उदास हो गया। अभी तो बेचारी बेटे के गम से उभर नहीं पाई है, लेकिन अब वनराज अनुज पर इल्ज़ाम लगाएगा। अब अनुज रो कर गिड़गिड़ा कर खुद को बेगुनाही का सबूत देगा, लेकिन इस बार अनुपमा अनुज पर भरोसा ही नहीं करेगी। पड़ोस के लोग तो ये तक कह रहे थे कि अनुपमा अब अनुज को छोड़ देगी। खैर जो होगा वो भगवान जाने, बस जो हो अच्छा हो। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा अनुज को बताती है कि अभी अभी समर मेरे हाथों से खीर खा कर गया है, तो ऐसा मजाक मत करो। और काव्या भी कहती हैं कि अब बहुत हो गया, ऐसा घटिया मजाक ना ही करो तो अच्छा है, और इसको इतना लंबा भी मत खींचो। लेकिन अनुज अनुपमा को समझाते हुए कहता है कि समर को गोली लगी है और वो हम सबको छोड़कर चला गया है। अब ये सुनकर बाकी तो चीख निकल जाती है और डिम्पी तो बेहोश ही हो जाती है। अनुपमा सबको संभालने की कोशिश करती है। वो वनराज से कहती है कि अब तो मजाक बंद कर दो, लेकिन वनराज चीख कर कहता है कि मर गया समर, मर गया हमारा बेटा। अब घर में मातम पसर चुका है। अब अनुपमा आपे से बाहर है और वो कभी चीखती है तो कभी बेहोश हो जाती है। तोशु अनुपमा को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा की चीख तो रुक ही नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ समर का पोस्टमार्टम हो गया है और पुलिस वाले बॉडी ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वनराज तो गुस्से में चीख पड़ता है और कहता है कि वो मेरा बेटा है, कोई बॉडी नहीं है, उसका नाम समर है। तभी डॉक्टर आकर एक फॉर्म देते हैं, जिसे देख कर वनराज हिल जाता है। अरे फॉर्म है वो अंगदान का होता है। वनराज समझ नहीं पाता, लेकिन अनुज कहता है कि हमारे घर में तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन इससे हम कई लोगों के घरों में रोशनी दे सकते हैं। वहीं डिम्पी का हाल बुरा है और किंजल उसे संभाल नहीं पा रही है। अनुपमा हिम्मत करके डिम्पी को संभालती है, क्योंकि उसने समर को वादा दिया था। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार अनुपमा अनुज का साथ नहीं देगी। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं कहाँ एमिनी अपनी शादी के लिए मरा जा रहा था और अब खुद अपनी ही शादी को तोड़ना चाहता है। तो उधर अक्षरा की ज़िंदगी भी नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि वो दोबारा माँ बनने वाली है और एमिनी उसे अपनाने से मना कर सकता है, लेकिन कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिनव ने भी अभीर को अपना सगा ना होते हुए पाला है। अब वही कर्ज अभिमन्यु को उतारना है। होता ये है कि अक्षरा अभिमन्यु की मेहंदी का फंक्शन है और घर की सभी महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं। आरोही बच्चों को खाना खिला रही है, लेकिन तभी वहां पर मामा जी आ जाते हैं। मामा जी को सामने देख कर आरोही चिढ़ जाती है और उसके चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। अक्षरा आरोही को देख रही है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर आरोही को हुआ क्या है। इसके बाद घर के सभी मर्द डांस करते हैं, खासकर कायरव दुपट्टा ओढ़कर इतना मज़ेदार डांस करता है कि सबकी हंसी छूट जाती है। मौका पाते ही आरोही को अकेला देखकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आरोही साफ साफ लहजे में उसे समझा देती है कि दूर रहो। लेकिन मामा तो आरोही से कहता है कि वो ज़्यादा सोच रही है, क्योंकि वह विधवा है और काफ़ी समय से उसे किसी ने छुआ नहीं है। वो कहता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम कुछ करती भी हो तो इल्ज़ाम तो तुम पर ही लगेगा। वो कहता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम कुछ करती भी हो तो इल्ज़ाम तो तुम पर ही लगेगा, कोई तुम्हारी बात पर भरोसा ही नहीं करेगा। लेकिन तभी मंजरी आकर आरोही को घर से कुछ सामान लाने के लिए कहती है और मामा जी को साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन आरोही तुनक कर साफ मना कर देती है। अब सभी लोग आरोही के व्यवहार से हैरान होते हैं, लेकिन मामा को वहाँ देख कर अक्षरा समझ जाती है कि भाई गड़बड़ क्या है। अक्षरा आरोही से बात करती है तो आरोही बताती है कि उसने मामा जी को समझा दिया है, लेकिन अक्षरा कहती है कि वो समझने वाला नहीं है। वो कहती है कि ऐसे लोग लीच होते हैं जिसको खींच कर फेंकना पड़ता है। अब दोनों बहनें मिलकर मामा जी को सबक सिखाती हैं और सबके सामने ज़ोरदार चांटा जड़ देती हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अक्षरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आरोही के हाथ लग गई है।
और आई मन्नी रिपोर्ट देखकर शादी तोड़ने वाला है। वही गुम है किसी के प्यार में सभी टूट चुकी है और खुद को सच्चा साबित करने के लिए कोई मेहनत नहीं करने वाली। वहीं शान के सामने सभी की सच्चाई आ गई है और उसे पता चल गया है कि नकल तो उसकी खुद की बहन दुर्वा ने की है। अब ईशान का पारा सातवें आसमान पर है और अब वो बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेगा। होता ये है कि सभी को खुश करने के लिए ईशा सरप्राइज प्लान करती है। सभी के आते ही ईशा शांतनु सरप्राइज छिपा देते हैं। अब आते ही सभी ईशा को अपना रेस्टिगेट का लेटर दे देती है। अब लेटर देते हुए सभी ईशा को सारी बात बता देगी। ईशा के सामने सभी रोना शुरू कर देगी और सारी कहानी बताएगी। वहीं दूसरी तरफ ईशान अपने घर पर एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा है और उसे शक होता है कि कॉपियों में कुछ तो गड़बड़ है। वो सभी की कॉपी पढ़ता है और खुश होता है कि सभी ने समझकर चीज़ों को लिखा है। लेकिन तभी ईशान की चाची वहां आकर सारी सच्चाई बता देती है कि नकल तो दुर्वा ने की है। अब सच जानने के बाद ईशान परेशान हो जाएगा। ईशान सभी और दुर्वा की कॉपी चेक करेगा और सच सामने आते ही ईशान सभी का साथ देने का फैसला करेगा। ईशान यशवंत के पास जाकर दुर्वा का सच भी बताएगा। यशवंत इस बार सभी का साथ देने से इनकार कर देगा। अब सच सामने आते ही ईशान दुर्वा पर भड़क जाएगा और अक्का साहेब मामले को दबाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ सभी शहर छोड़ने का फैसला करेगी। अब इस बार ईशान सभी का साथ देने वाला है और ईशान इस बार सभी को कहीं जाने ही नहीं देगा और उसका सपना पूरा करने में पूरी मदद करेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके बताते रहिए और अगर इसमें कुछ बदलाव करने हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए अब आपसे कल इसी समय पर मुलाकात होगी और नई जानकारी के साथ। राम राम।